आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। पंजाब पुलिस भगोड़े अमृतपाल को लेकर डिब्रूगढ़ पहुंच चुकी है, उसे यहां की जेल में रखा जाएगा। वहीं पंजाब पुलिस ने मोगा गुरुद्वारे से उसे गिरफ्तार किया। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि भगवत मान ने बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन को लेकर उनके पास रात भर में ही सारी खबरें पहुंच रही थी। हर आधे घंटे में ऑपरेशन की जानकारी उन्हें मिल रही थी, वे पूरी रात नहीं सो पाए। आज अमृतपाल सिंह 35 दिन हो गए, आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गए। और जो जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करेंगे, हम कोई बैटेंटा पॉलिटिक्स नहीं करते। हम 18 मार्च से अमृतपाल को ढूंढ रहे थे। साथ ही अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहीं उन्होंने कहा कि कुछ लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने काफी संयम से काम लिया, आज अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया, हम एजेंडा पॉलिटिक्स नहीं करते। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।